हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्ले विथ साइंस। चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किससे रिलेटेड, जो हमने पिछले लेक्चर में दो टॉपिक किए थे, नाम के पेडल इक्वेशन और परफॉर्म, ये कहाँ पीछे रहने वाले थे। इनसे रिलेटेड हमने जो कर्वेचर रेडियस है, वक्रता त्रिज्या, उनके फॉर्मूले देखे दो। वेरी सिंपल फॉर्मूले है, रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी, ठीक है। पी के रिस्पेक्ट में कर दो, आर जो दे रखा है हमें इक्वेशन उसका, और इसे आर से इंटू कर दो, तो वो क्या होगा, रो होगा, ओके। वक्रता त्रिज्या होगी अगर पेडल इक्वेशन हो तो, और आर इज इक्वल टू एफ थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म। और इसके बाद में ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा, आर का जो डिफरेंशियल है उसकी स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये का ये ऐसे का ऐसे नीचे रख दो, और इसके इंटू में बस 2 कर दो, प्लस में आर का डबल डिफरेंशियल। ये है हमारा फॉर्मूले, और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले आज, इंपॉर्टेंट है। ये होगा पेडल इक्वेशन का क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके निकालने कर्वेचर रेडियस, ये भी आपको दिख रहा होगा, मजा आ जाएगा, फ्लो बन जाए। इसलिए फिर आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बारी आएगी, पेडल इक्वेशन से रिलेटेड है ये भी, और फिर देखेंगे एक पोलर फॉर्म से रिलेटेड अच्छा सा क्वेश्चन। तो बस बने रहिए आपके इस वीडियो में, आ जाएगा इनके आपके क्वेश्चन पड़ जाएंगे एग्जाम में, और उसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। कर्वेचर नाम का चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी खत्म नहीं होगा, सॉरी अभी नहीं खत्म होगा, इसके बाद में दो टॉपिक और बचते हैं, वो करवा के उससे क्वेश्चन करवा के फिर होगा कर्वेचर नाम का चैप्टर खत्म। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोग एक वीडियो में करवा देते हैं, देखो आपको यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड वीडियो मिल रहा है, तो फायदा उठाइए, सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के। If, यदि किसी दीर्घवृत्त इलिप्स की पेडल इक्वेशन हमें ये कुछ दे रखी है, हमें याद भी रखनी है, ये होती है 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² माइनस r² / a² हो, तो इसकी किसी पॉइंट पर, पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, पर वक्रता, कर्वेचर रेडियस, वक्रता त्रिज्या हमें निकालनी है, रो हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो देखिए सर्वप्रथम हम देखते हैं इक्वेशन क्या है, बस वहीं से शुरुआत करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है, अब इसका क्या करोगे आप, करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, p के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं हम इसका, हैं बताओ, p के सापेक्ष कैसे कर रहे हैं, कि फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर इंटू डी आर बाई डी पी, जो r इज इक्वल टू में कुछ दे रखा होता है, r में दे रखा हो चाहे कुछ में दे रखा हो, उसका हम p के रिस्पेक्ट में करेंगे और उस r से इंटू करेंगे, तो हमें मिल जाएगा। तो हम इसे p के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको पता है नीचे है p की पावर, पता ही है हमें, माइनस का n by इस p की पावर n plus 1, आप वैसे भी कर सकते हो ऊपर ले जाके, वैसे भी वैसे इसका फॉर्मूला होता है माइनस by पावर, ठीक है, अगर नीचे में पावर दे रखे हो, और p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 1/a² का हो जाएगा 0, इसका भी हो जाएगा 0, इसका करेंगे माइनस का, आर का करेंगे तो अब डी आर बाई डी पी, ओके इतना हो गया हमें हमारा क्वेश्चन, इतना सॉल्यूशन इतना हो गया। इसके बाद में देखते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, काट मतलब कट गया यार, डी आर बाई डी पी को, अच्छा एक बात और, आर इंटू डी आर बाई डी पी, ये एक साथ रखेंगे, आप सोचोगे कैसे, पर आपको पता चल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, और नीचे चल रहा है पी क्यूब, और ये -2 -2 तो कैंसिल हो ही गया, तो ये हमारे पास जो भी एक इक्वेशन आई वो मिल गई। और फॉर्मूला क्या बोलता है, रो इज इक्वल टू आर इंटू डी आर बाई डी पी, तो हमारे पास डायरेक्ट ये आ गया आर इंटू डी आर बाई डी पी, ये ठीक है, नहीं तो हम क्या निकालते हैं, डी आर बाई डी आर से इंटू करते तो हमारे पास कर्वेचर रेडियस आती, अब डी आर बाई डी पी आर इंटू, मतलब रो यही, अच्छा तो रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू, तो ये पास आ गया है इस क्वेश्चन का आंसर, साथ साथ कर लिया होगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या किया हमने, जो इक्वेशन दे रखी थी पी के रिस्पेक्ट में कर दिया,
ठीक है। फिर हमने उसे किया, उसके बाद में हमारे पास डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ गई जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी टाइम वेस्ट किए। अरे भैया देख लो यार, मजा आ रहा है, फ्लो बन चुका है हमारा। इफ कर्व वक्र की पेडल इक्वेशन वक्रता त्रिज्या पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर 4 बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी से मतलब हमें तो प्रूव करना है रो इज इक्वल टू ये इतना बड़ा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा, इतना भी बड़ा नहीं है पर मजा आएगा सॉल्यूशन करते टाइम। तो पेडल इक्वेशन हमारी क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पेडल इक्वेशन, ठीक है भैया। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, पी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, इसका हम पी के, कहना क्या चाह रहे हो आप, आर के रिस्पेक्ट में करोगे? हाँ आर के रिस्पेक्ट में करूंगा, क्यों? क्योंकि हम देखो इसको इस तरफ ही रखते हैं, हम यहाँ पे पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे भी ऊपर आर नीचे भी आर, मतलब यू बाई पड़ेगी। अब मैं इसका एक काम कर देता हूँ, पी स्क्वायर इसको इससे इंटू कर दूँ तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इक्वल में क्या चल रहा है, आर की पावर 4। अब कैसे हो जाए, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको ये जो हमारे पास दे रखी है ना पी इज इक्वल टू एफ आर, हमें पता नहीं है कॉन्स्टेंट है या नहीं, पी वेरिएबल है या आर वेरिएबल है, पी के रूप में भी फंक्शन दे सकता है, आर के रूप में भी इक्वेशन आ सकती है जो पेडल इक्वेशन हमारी, ठीक है। तो हम किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, बस एक चीज एक साइड होनी चाहिए, समझ में आ गया ना? तो करते हैं यार इसका, आर के रिस्पेक्ट में अगर हम कर भी रहे हैं ना तो हमें पता नहीं है, क्या नहीं पता, आर के सापेक्ष पहले तो देखो, आर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हो अगर आप, तो क्या करोगे, देखो पी का हमें पता नहीं है कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल, तो पी स्क्वायर इसमें यू इंटू वी लग जाएगी, पहले क्या लगती यू बाई वी लगती, अब यू इंटू वी काम चल जाएगा, पी स्क्वायर को छोड़ दिया, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को छोड़ दिया इस बार, और पी स्क्वायर का करेंगे तो इंटू में 2 पी इंटू डी पी बाई डी आर आ गया, और आर की पावर 4 का 4 आर क्यूब, इतना कर लिया ना हमें। तो अब 2 से हम काट सकते हैं क्या, इसे काट देते हैं, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2 टाइम्स कटेगा, तो क्या होगा, पी स्क्वायर आर प्लस यहाँ पे 2 कट गया तो पी इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स आर क्यूब, इतना हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, डी पी बाई डी आर को एक साइड रखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को उस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए पी स्क्वायर आर को इस तरफ माइनस कर देंगे और इसे ले लेंगे डिवाइड में, तो हमारे पास डी पी बाई डी आर की वैल्यू क्या आएगी, आवाज़ आ रही है, यस डी आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये माइनस अपोन में पी इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा, ये सारी एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई। अब यहाँ से हम आर को कॉमन ले सकते हैं क्या, क्यों लेंगे अभी बता देंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वो वैल्यू रख पाए। हम डिफरेंशिएशन तो किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, कर किसी के, ये यार ये बात भी बताना भूल गया, हाँ मैंने यहीं तक ही बताया अभी आपको, कर किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, पर फॉर्मूला आपको यही लगाना है, क्या है, रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी, यही फॉर्मूला लगाना है, मतलब डी आर बाई डी पी की वैल्यू चाहिए हमें। अगर कन्फ्यूज हो चुके हो ना, कन्फ्यूज नहीं हुए नहीं हो, क्योंकि मैंने यहीं तक ही बताया अभी तक आपको कि हम किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, आर के रिस्पेक्ट में भी पी के रिस्पेक्ट में भी, पर जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी, मतलब डी आर बाई डी पी चाहिए हमें, डी पी बाई डी आर नहीं चाहिए। तो एक काम कर ले क्या, पहले एक और काम करेंगे फिर दूसरा काम करेंगे, आर को यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा डी पी बाई डी आर, आर को कॉमन लिया यहाँ से तो आर कॉमन ले लिया 2 आर स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, ठीक है आर कॉमन ले लिया, नीचे क्या चल रहा है, जो चल रहा है उसे चलने देते हैं, हमें क्यों किसी को फ्लॉप करना है, ठीक है चल रहा है उसे चलने देते हैं यार। अब देखिए और मजा नहीं लाइफ करता हूं मैं आपकी अभी के अभी यार,
क्या होता है ये अभी देखना मेरा दोस्त। अब अच्छी लाइन है ना, ठीक। अब चलते हैं आगे, आगे चले तो ये इतना हो गया हमारे पास। आप इनटू में इसे डिवाइड में ले जाए क्या, ले जाओ भाई मेरे से पूछ रहे हो। तो 1/r इनटू डीपी बाई डीआर इज इक्वल टू, यहाँ क्या जो बचा उसे लिख देते हैं, 2r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में पी इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब देखो 1r बाई 1/ पी बाई डीआर, वैसे का वैसा लिख रहा हूँ, इसको भी तो उल्टा करेंगे, हंसी आ रही है। ए स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, क्या लिख रहा है ये f p स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। r इंटू डी आर बाई डी पी हो गया क्या, यहीं तक हो गया क्या? देखो p को थोड़ा और सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, तो ये तो चल रहा है, वो फॉर्म तो ले आए हम r इंटू डी आर बाई डी पी फॉर्मूले वाले, पर एक काम और करेंगे अब, क्योंकि हम ये चीज प्रूव करने के लिए पूछी है, और आगे पूछा है, और आगे क्या पूछा है, ये तो रो है हमें पता है, ये तो क्या है रो है, एक साइड तो आ रहा है हमारे पास, तो दूसरी साइड के लिए हम क्या करें। और अच्छा यहाँ पे तो p कहीं पे है ही नहीं, हमें लॉजिक लगाना है हर जगह। आप यहाँ तक करके देखोगे अरे यार हमारा सोल्यूशन तो सही है, पर हमें मैच ही नहीं हो, सोल्यूशन ही नहीं आया, नंबर लेंगे, ऐसे चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करते, यहाँ तक कर लिया ना आपने, ये तो आप ठीक करो हो गया ओके। यहाँ पे आपके पास पी आ रहा है, पी पी यहाँ पे तो पी है ही नहीं, जहाँ पे प्रूफ करना पी की जगह है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ये जो है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, आर की पावर 4 बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें दे रखा है, तो पी अच्छा पी की स्क्वायर दे रखा है, तो पी क्या होगा आर स्क्वायर बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए पी की वैल्यू क्या रहेगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये है इसके इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओके। नीचे क्या चल रहा है वो देख लीजिए, नीचे क्या चल रहा है वो देख लीजिए, टू आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर माइनस में, तो पी पी स्क्वायर दे रखा है, तो पी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे हम आर ओके। तो यहाँ से हम आगे क्या कर सकते हैं, वही करेंगे जो नहीं कर सकते वो तो कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो कैसे, ठीक है इतना कर लिया ना। अब देखो हम करेंगे रूट यहाँ पे है, नीचे या ऊपर नहीं करेंगे, ऊपर नहीं बना देंगे, ठीक है मतलब नीचे है रूट में कुछ वही चीज़ है बस बिना रूट के है, तो ये रूट ऊपर लग जाएगा आर स्क्वायर ऊपर है ही, और क्या जाएगा आर स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओके, मतलब से एक कट। अब नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर को मैं ले सकते हैं क्या, ले लो यार मेरे से क्या, टू माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इसे लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, और उसके बाद में थोड़ा और सॉल्यूशन करते हैं। तो आ गया r इंटू डी आर बाई डी पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जो आ गई वो लिखते हैं इंटू रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, अरे यार अपॉन में टू माइनस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओके, इतना है इतना ना टू डी आर बाई डी पी इज इक्वल टू ऊपर चल रहा है इसे एलसीएम समझ में आ गया कैसे
समझ में आ गया, इसको इससे इंटू कर दिया टू से, तो टू आर स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर, अच्छा टू ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए गलती कर दिया हमने, प्लस टू ए स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर अपोन में रूट, रूट नहीं है, अपोन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो एक और चीज, ये ऐसे आ गया तो इसे हम उल्टा करके लिख सकते हैं, आर इंटू डी आर बाई डी पी क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस इसका रूट था, इसका रूट नहीं है, और नीचे क्या बच रहा है, टू आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर, तो क्या बचा टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चीज हमारे पास बची। ऊपर देखो ये बेस देखो सेम, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे पहले क्या इसे माइनस किया था, अब इसे जोड़ेंगे ठीक है, क्योंकि इंटू में आधा और एक कितना होता है, बार बार बताना पड़ेगा क्या यार, नहीं हो तो बता देता हूँ, आधा प्लस एक क्या होता है, एक प्लस दो बटा दो, इसका मतलब तीन बटा दो होता है, हाँ तीन बटा दो होता है, ऐसे ही देख लो ना, आधा और एक, आधा और एक डेढ़ को कैसे लिख सकते हैं हम, तीन बटा दो, मतलब दो का तो एक बार भाग जा रहा है और एक शेष रहा, मतलब चार और दो के बीच में नहीं हो गया, समझते नहीं हो यार, इतना सा आपके इस तरीके से दिमाग होता है आप समझ पाते कैसे, जैसे थ्री बाय टू है, अब आप कैसे समझोगे, तो टू का टू में जाता है एक बार, टू का फोर में जाता है दो बार, ठीक है, टू का टू में जाता है एक बार, टू का फोर में जाता है दो बार, मतलब फोर और टू के बीच में है थ्री, वो ऊपर विराजमान है, तो थ्री बाय टू है, तो मतलब एक नहीं होगा क्या, आधा, एक और दो के बीच का एक से ही एक बटा दो, तो समझ में आ जाता है हमें करने से कि एक एक और आधा कितना होता है, थ्री बाय टू होता है, ठीक है, तो देखते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर, ये छोटी छोटी जो चीजें, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का तो सोल्यूशन हम जैसे पढ़ेंगे वैसे ही कर देंगे, कॉपी में भी वैसे ही कर देंगे और एग्जाम में भी वैसे ही कर देंगे, पर ये छोटी छोटी बातें ना यही आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग करती है, ये नहीं है मैथ, मैथ जो आपके दिमाग की है वो होती है मैथ, ठीक है, टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही जो चीज़ है ये वो चीज़ है, अच्छा यहाँ पे रो लिख देते हैं, आर डी आर बाई डी पी क्या होता है, रो ही होता है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर थ्री बाई टू अपॉन में टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन का हेंस प्रूव लिखते हैं यार, वो तो लिखा ही नहीं हमने, क्योंकि सिद्ध करने के लिए दिया था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर थ्री बाई टू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर, तो देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अच्छा था ना क्वेश्चन, मजा आ गया, ये क्वेश्चन किया हमने पहले पोलर फॉर्म से रिलेटेड, पोलर फॉर्म की उसका हमने पीक रिस्पेक्ट करके आंसर लगाया ये, और प्रूव करना था ये इक्वेशन दे रखी थी पोलर फॉर्म की, और सॉल्व करते पे आके ये इक्वेशन ला दी जो हमें प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है, कितने अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, अच्छा इसकी हमें कर्वेचर रेडियस निकालनी है, अभी अभी तक हम कर्वेचर रेडियस ही तो निकाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छा इसे देखो बस, आर और आर है थीटा है, मतलब आर इज इक्वल टू, मतलब आर इज इक्वल टू एफ थीटा में कुछ दे रखा है, मतलब यही होती है हमारी पोलर, पता है ना आपको, यही हमारी होती है पोलर फॉर्म, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन दे रखा है, वो आपको पता छोटा है वो मैंने बताया था आपको लॉजिक से, ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, पहले ठीक है, पहले तो जो हमें इक्वेशन दे रखी है ना वो देखते हैं, तो r इज इक्वल टू a इंटू e की पावर थीटा इंटू कोट अल्फा, मतलब वापस आपको यहाँ पे तो अल्फा भी दे रखा है, यहाँ पे तो अल्फा भी दे रखा है, तो अल्फा क्या हुआ, क्योंकि ये रिलेशन तो r और थीटा के बीच का ही होता है, अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, अल्फा यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, और ये अल्फा अगर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है तो
कोट अल्फा ये टोटल एक होगा, कोट अल्फा ये टोटल एक कांस्टेंट होगा, और ये थीटा जो वेरिएबल है ना इसके इनटू में है। अब ऐसे मान सकते हो जैसे एक्स वेरिएबल है कोई, ठीक है, टू कोई क्या है, टू का है कोई कांस्टेंट, तो टू एक्स है तो एक्स के वेरिएबल के इनटू में टू है, ऐसे ही मान लो आप थीटा वेरिएबल है और कोट अल्फा इसके कांस्टेंट इनटू में है। फील आ गया, फील आ गया, तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या देखते हैं पहले, तो रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा की होल स्क्वायर, यही था ना हमारा फॉर्मूला। रुको जरा, अभी थोड़ा बच्चा है यार, 3/2 होल पावर, ठीक है, आर स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में और डी आर बाई डी थीटा की होल स्क्वायर, और माइनस में था कि प्लस में, प्लस में था यार, प्लस में डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर, देख लेते हैं प्लस में था, देख लीजिए प्लस में था। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या रिक्वायर है, क्या क्या चाहिए हमें। आर, आर तो हमें देखो दे रखा है ध्यान से, डी आर बाई डी थीटा चाहिए, तो पहले तो इसका थीटा के रिस्पेक्ट, टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर भी चाहिए, तो मतलब दो बार करना पड़ेगा, तो करते हैं, ये बाद में लिखेंगे फॉर्मूला। तो इसका पहले तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, थीटा के सापेक्ष, मैं डिजाइन लगा के लिख देता हूँ, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कैसे करेंगे, डी आर बाई डी थीटा आर का, और ए है यहाँ पे कॉन्स्टेंट, तो ए ऐसे का ऐसा रहेगा, ई की पावर हम कुछ भी करते हैं तो वो ई की पावर में ही रहता है, ठीक है, करेंगे ई की पावर, ई की पावर में क्या है, थीटा इंटू कोट एल्फा, थीटा इंटू का करेंगे जैसे 2x है तो इसका हम करेंगे तो क्या बचता है, इसका हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 2 ही बचता है, तो यहाँ पे थीटा इनटू कोट अल्फा है तो इसका हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ कोट अल्फा बचेगा, वो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो इनटू में बचेगा, समझ में आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देते हैं, डी आर बाई डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कोट अल्फा इंटू में ई की पावर थीटा इंटू कोट अल्फा, ये हमारे पास आ गई है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हम निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में फिर से इसका, तो पुनः है या फिर वापस या फिर इंग्लिश में कुछ भी बोलते हो आप, वापस पुनः थीटा के सापेक्ष टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर, तो थीटा के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे इसका तो क्या आएगा, तो मैं आपका ज्यादा वो नहीं करूंगा, देखो स्क्वायर अल्फा इंटू ई की पावर थीटा इंटू कोट अल्फा डायरेक्ट कर दिया, हाँ भी, हाँ भाई इतना तो आने चाहिए, आप खुद भी कर सकते हो डायरेक्ट, कैसे ए कॉन्स्टेंट है ऐसे का ऐसा लिख दिया, ठीक है, एक बार कोट अल्फा को ऐसे का ऐसा छोड़ा, स्क्वायर कैसे आया, एक बार रुको, कोट अल्फा को ऐसे का ऐसा छोड़ा, ई की पावर थीटा इंटू कोट अल्फा का ऐसा रह गया क्योंकि ई की पावर ऐसी रहती है, ठीक है, ये पावर थी तो कोट अल्फा एक और इंटू में आ गया तो कोट स्क्वायर अल्फा हो गया, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, और ये हमारे पास फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो यही होगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं हम, रो इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, आर डी टू आर बाई डी थीटा इसको, बस ये चीज यहीं पे काम में आएगी, रो इज इक्वल टू, अब थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे और हमारा आंसर लाएंगे। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, मैं यहाँ से डायरेक्ट आर की वैल्यू नहीं रखेंगे हम क्योंकि सारी चीजें तो आर में ही आ जाएंगी, तो आर को ऐसे का ऐसा पड़ा रहने देंगे, फिर डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो आर कोट एल्फा है डी बाई डी, डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू है आर कोट एल्फा, यहाँ पे ठीक है। अरे यार आर को टेल्फा कैसे है, थोड़ा और ट्विस्ट है इसमें, थोड़ा और काम करना पड़ेगा, आप सोच रहे होंगे आर को टेल्फा कैसे है, तो देखिए जरा ध्यान से,
इसको आप और डी आर बाई थीटा को ठीक है कैसे लिख सकते हो, ए कोट एल्फा ये तो ऐसे का ऐसा है ठीक है, कोट एल्फा तो ऐसे का ऐसा है, इसे तो छोड़ दो चलो। अब इंटू में ए इंटू ई की पावर थीटा कोट एल्फा, यहाँ पे भी ऐसे ही दे रखा है क्या, ए इंटू ई की पावर थीटा इंटू कोट एल्फा, तो हम इसकी वैल्यू लिख, यहाँ पे क्या जाएगा आर इंटू कोट स्क्वायर एल्फा, समझ में आ गया, और ये है इक्वेशन टू। अब समझ में आ गया, अब हमें आर स्क्वायर जो फॉर्मूले में है ना उसकी वैल्यू भी पुट जरूरत नहीं है क्योंकि हमें हर जगह क्या मिल गया है आर ही मिल गया है, तभी मैं सोचूं आर स्क्वायर प्लस आर कोट एल्फा चल रहा है अपॉन में चल रहा है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है आर कोट एल्फा, तो डी थीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या थी आर कोट स्क्वायर है, इतना हम निकल गया ना। देखिए आगे अब रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले ले क्या ले लेते हैं, देखो यहां पे क्या आ जाएगा, अब आगे देखिए एक बार रुकिए, हाँ स्क्वायर ही आएगा, आर स्क्वायर ही था ना इनटू में, देखो कैसे आया यार आर स्क्वायर कैसे आया यहाँ पे। अच्छा ये जो फॉर्मूला है ना एक चीज गड़बड़ है ठीक है, वो देखिए फॉर्मूले में मैंने भी बाद में लिख रखा है तो आपको एक सुधार कर लेना है फॉर्मूले में, ज्यादा चीजें हमने अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो आप उस फॉर्मूले में सुधार कर सकते हो, जो ये फॉर्मूला दे रखा है ना इसके इनटू में क्या है की, तो ट्रिक क्या थी यहां तक की ट्रिक तो सही थी यार, सही काम ले रहे थे हम, यहां तक की ट्रिक तो सही चल रही थी क्या, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा की स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन में क्या चल रहा था, तभी मैं सोचू गलती कहां पे हो रही है, आर स्क्वायर प्लस टू पूरा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, आप सोचो पूरा पेज फाड़ दिया, आर स्क्वायर प्लस टू आर बाई डी आर बाई डी की होल स्क्वायर और इंटू में क्या चल रहा है इंटू में माइनस का आर इंटू डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर चल रहा है, समझ में आ गया है फॉर्मूला, इसके इंटू में हमने न तो आर लगाया न माइनस लगाया, ये तो आपको जहाँ कहीं भी मैंने ये फॉर्मूला लिखाया है वहाँ पे थोड़ा तो बनता है यार, पोलर फॉर्म से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन किया ज़्यादा तो घाटा नहीं हुआ, घाटा हुआ भी कहाँ है ये तो चीज़ सेम ही रहेगी ठीक है, और बस यहाँ पे माइनस आएगा ज़्यादा दिक्कत की ठीक है, तो कैसे कोटा दिया और अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं देखिए देखो डी स्क्वायर निकाली ना तो इनटू में भी है तो माइनस का से इनटू होगा तो आर स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास है, सोच रहा था क्या सोचा मैंने
मैंने ये सोचा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कैसे नहीं हो रहा। अब देखो 2r² cot square alpha से r square cot square alpha कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, r square plus में r square cot square alpha एक बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब नीचे से भी r square को हम ले सकते हैं, पहले तो ये ऊपर का 2 से 2 कट गया, तो rho is equal to r cube और r alpha क्या होता है बाद में लिखेंगे, पहले थोड़ा और कर देते हैं, नीचे भी यही चीज बना लेते हैं 3/2। अब कोट में r square यहाँ से भी कॉमन आ गया 1 plus cot square, तो क्वेश्चन है ये भी rho is equal to r से r cube कट गया तो r square बचा, ओके। r से ये r square कॉमन आया था तो r cube से r square गया तो r बचा, समझ में आ गया। और 1 plus cot square alpha क्या होता है, cosec, cosec square, तो देखिए अंदर क्या बचा, कोसेक स्क्वायर अल्फा और इसकी पावर क्या है 3/2 अपॉन में ये भी बचा कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे पावर एक है, यहाँ पे पावर 3/2 है, मतलब डेढ़ में से एक घटा रहे हैं, डेढ़ में से एक घटा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, रो इज इक्वल टू आर, डेढ़ में से एक घटा दिया तो क्या बचा, आधा बचा, समझ में आ गया, कोसेक की पावर हाफ अल्फा, ए कोसेक की पावर तो स्क्वायर ही है, कोसेक स्क्वायर अल्फा, और इसकी होल पावर क्या हो गई, हाफ हो गई, इसकी होल पावर हाफ हो गई, तो इसे हम रूट में लिख सकते हैं, और रूट में लिखेंगे तो रूट से ये पावर चली जाएगी, तो क्या बचेगा, ओनली कोसेक अल्फा, ठीक है। और हमने प्रूव कर दी बड़े ही आसान तरीके से, ठीक है। हेंस रो इज इक्वल टू आर कोसेक अल्फा, रो इज इक्वल टू आर कोसेक अल्फा, बड़ी अच्छे ढंग से हमने प्रूव की थी, बस एक कन्फ्यूजन थी वो हमने दूर कर ली। और बताइए कैसा लगा वीडियो, बड़े ही कम टाइम में हमने इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो से रिलेटेड कर लिए। अगले वीडियो में और टॉपिक लाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मजा है। कर्वेचर नाम का चैप्टर देखो कितना बड़ा है, ठीक है, और आपको करवा देते हैं छोटे से भी और के भी, ऐसे नहीं बोल रखा है कि जगह करवाते होंगे अच्छा, पर देखो आपको कितने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और कितने आपको कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अगले लेक्चर के लिए सस्पेंस बनाए रखें, मजेदार आएगा, सारा पढ़ो, चाहे आधा ही एंड हो वीडियो में पर सारी चीजें कवर करते हो ना, तो एक मोटिवेशन आता है कि हमने सारी चीजें कवर की है। अच्छा लाइक सब्सक्राइब करना, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये नाम भी मेरे से ऐसे ही निकला, लाइक एंड सब्सक्राइब का वो भी। जय भारत, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। हेलो हेलो।